यार आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बीकानेर वाला के रेडी टू ईट फूड। हाँ भाई, बीकानेर वालों की भी रेडी टू ईट खाने आते हैं। तो सीन ये है, दो तीन दिन पहले ना मैं हल्दीराम्स भी गया था, फिर बीकानेर गया था छोले भटूरे खाने, और उस दिन जो मुझे एसिडिटी हुई थी ना, भूला नहीं हूँ मैं अब तक। और बीकानेर वालों के पास मैंने देखा था काफी सारे ऑप्शन थे यार रेडी टू ईट खाने के। तो हल्दीराम्स के रेडी टू ईट फूड पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत लोगों ने देखी है। आज है बारी बीकानेर वाला की। बस दिक्कत ये है, बीकानेर वाला ना टू फार अवे फ्रॉम होम। यार देखा जाए तो बीकानेर वाला के पास भी काफी ऑप्शंस है रेडी टू ईट फूड के, बट आई थिंक अगर मैं हल्दीराम से कंपेयर करूँ ना तो हल्दीराम के पास ज्यादा है भाई। और ये क्रंची मंची भाई मेरे फेवरेट है। अब एक बार आपको दिखाऊं मैं क्या क्या सामान लेके आया। वेज बिरयानी, पाव भाजी की भाजी, पाव बाकी जा, पनीर पकोड़ा और मटर कुलचा। भाई देखो, ब्रेकफास्ट के लिए ना आई थिंक मटर कुलचा से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। भाई नाइस पैकेजिंग। ओके, दो पीस कुलचा है, थोड़े से मटर हैं, और इसका प्राइस है 100 रुपीज। और भाई इसको बनाने का सीन क्या है? हाँ, माइक्रोवेव। ओ बन गया लगता है। भाई मुझे ऐसा लग रहा है ये कुलचे, ओ हाँ भाई ये कुलचे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। एंड लुक एट दिस, ओ नो, ये भी पार्शियली हो ही चुका डिफ्रॉस्ट, बट लुक एट दिस गाइस। यार मतलब मटर पे ना थोड़ा पानी पानी हो गया, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द आइस, वो सो डिफ्रॉस्ट किया मैंने तो इसलिए पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया। एक ना जल्दी से बाइट बनाते हैं। ऑलराइट, इसके ऊपर अगर हम थोड़ा नींबू डाल देते और बटर शटर से इसको थोड़ा बना देते कुलचों को तो आई थिंक ज़्यादा मज़ा आ जाता ना, बट मैं भाई लेजी हूँ, मेरी बस की नहीं है। ओह 3/5 भाई देखो, इसके अंदर ना मसाले इन्होंने डाले हैं, बट आई थिंक थोड़े से ज़्यादा मसाले डालते तो और मज़ा आ जाता। और दूसरी बात ये कि बस यार मतलब ये कि ये 3/5 ही लग रहे हैं मुझे। भाई घर पर मम्मी बढ़िया बना रही हैं, बट यार रेडी टू ईट के हिसाब से ना दीज आर एक्चुअली नॉट दैट बैड, और 100 रुपये के हिसाब से तो यार सही है, बुरी चीज़ नहीं है। अब इसको रैप अप करता हूँ फिर बिरयानी ट्राई करें। हीट एंड सर्व। ये बिरयानी पे पत्ता कितना अजीब सा लग रहा है भाई। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं अब बता रहा हूँ कि ये वीडियो ना बीकानेर वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है। चेक करो भाई इनकी वेज बिरयानी, मतलब बिरयानी तो क्या पुलाव ही है यार। मतलब एक बार ये बॉक्स चेकआउट करना, इतने लंबे लंबे बिरयानी वाले चावल हैं इस पे, बट रियलिटी में देखो यार ये तो वो पुलाव वाले चावल लग रहे हैं जो घर में बनते हैं। ओ इलायची की क्या खुशबू आ रही है इसमें से। ये पुलाव ना मतलब बिरयानी ना मसालेदार है, एंड आई थिंक इसका प्राइस है 110 रुपीज, तो सही है यार, नॉट बैड। मतलब इलायची का ज्यादा फ्लेवर आ रहा है, मसाले भी हैं, और कोई इसको देख के ना कह नहीं सकता कि ये फ्रोजन बिरयानी है, मतलब पुलाव है। मतलब अब इस बिरयानी के बाद ना मैं ट्राई करने वाला हूँ पनीर पकौड़ा। ओ बाय द वे, 6 पीसेस फॉर 200 रुपीज। ओह भाई पकोड़े तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहे हैं, बट इसके साथ यार वो रेड मीठी चटनी भिजवा देते, कुछ जा रहा था तुम्हारा। आपको अगर लग रहा है कि मैं एयर फ्राई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुषार भाई को हेल्दी रहना पसंद है आजकल, तो भाई मेरी बस की नहीं है। कढ़ाई निकालो, फिर तेल गरम करो, फिर पकोड़े डालो, फिर उसको बाहर निकालो। अबे चलो ना, 1 पीस पनीर पकोड़ा ऑलमोस्ट 30-35 रुपीज का पड़ा ना, और यार ये ना पहले से ही थोड़ा थोड़ा डिसमेंटल हो चुका है। ओके नॉट बैड भाई, फिलिंग चेक करना है इसकी, वो सॉल्ट मिल जाती ना, ओहो मजा आ जाता। सॉल्ट छोड़ो भाई, टमेटो केचप भी दे देते दे, मजा आ जाता। 3/5 तो यार ये पकोड़े थे। अब ना डिनर के लिए पाव भाजी है, मतलब थोड़ी देर अभी रेस्ट,
फिर करेंगे पाव भाजी। ये पाव भाजी लास्ट थिंग ऑफ द डे। नहीं अभी तो क्रंची वंची बचा है। बाय द वे ये 300 ग्राम भाजी 100 रुपए की है, ठीक है? अगर इसमें दो प्लेट बन जाती है तो ठीक है। लुक्स गुड। देखो जी बीकानेर वालों की रेडी टू ईट पाव भाजी। मतलब एक सही चीज मुझे लगी, वहां पे ना दो वेरिएशंस थे पाव के, एक तो जो नॉर्मल मैदे वाला पाव होता है और ये आटे वाला पाव। मैंने कहा यार आज तक मैंने कभी आटे वाला पाव ट्राई नहीं किया, लेट्स ट्राई इट आउट। और यार जो इसकी भाजी है ना ये देखना, ऐसा लग रहा है जो वेजिटेबल्स है ना ढंग से इन्होंने मैश नहीं किए। ओके लेट्स ट्राई इट आउट। पता है क्या रेडी टू ईट खानों की दिक्कत ही यही है, इनको खाने के बाद ना मतलब इनमें से थोड़ा वो वाला टेस्ट आता है, मैं क्या बताऊं, थोड़ा वो वाला टेस्ट, थोड़ा ऐसा लगता है केमिकल है यार खाने में। इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ऑल्दो 100 रुपए की भाजी है, 40-50 रुपए का पाव है और दो लोग इसे खा सकते हैं, ठीक है, बट आई स्टिल प्रेफर मतलब वो फ्रेश बाहर वाली पाव भाजी, मतलब उसका टेस्ट तो भाई अनबीटेबल है। ये बड़ी एवरेज लगी मुझे, आई रेटेड लाइक 2/5। और हाँ अभी ना गेम ओवर नहीं हुई है, एक चीज और बची है, मुझे अभी अभी याद आया। हाँ पा की जा। भाई नाइस यार, बढ़िया सी बर्फी लग रही है मुझे। लुक एट दिस भाई, ऐसा लग रहा है ये डेजर्ट का एक सैंडविच है। मतलब बीच में देखो येलो कलर का इन्होंने कुछ कुछ डाला हुआ है, एंड वहाँ पे ना पाकीजा के सिवाय और भी काफ़ी डेजर्ट्स थी, बट पता नहीं मैंने कभी खाई नहीं है पाकीजा, तो इसलिए मैंने सोचा यार ये लेके चलते हैं। और ये 270 रुपए की है, 8 पीस हैं एक डब्बे में, एंड ये बहुत टेस्टी है। आई थिंक पूरे दिन में सबसे बढ़िया चीज़ यही थी। रस मलाई होती है ना बीच में इन्होंने वो डाली हुई है, मैं बता रहा हूँ दिन बन गया मेरा, मैं ये पूरा डब्बा खा जाऊँगा अभी, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो लाइक कर देना। ओ ओ ओ टपक रहा है भाई कुछ कुछ। हाँ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब व्हाटएवर छोड़ो।